भाई साहब, इस वेदांत हॉस्पिटल के अंदर मेरी माता राम को हमने भर्ती करा था 27 तारीख के दिन रात को। मेरी मम्मी को नॉर्मली उल्टी और सिर्फ चक्कर थे। हॉस्पिटल के अंदर हमने भर्ती करा, हॉस्पिटल की इतनी लापरवाही थी कि रात को जब 2 बजे मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई, जब मेरे भैया अंदर आईसीयू में गए तो आईसीयू का डॉक्टर सोया हुआ था। आईसीयू का डॉक्टर सोने का क्या कहते हैं, जो स्क्रीन कार्ड रहता है वह बंद था। वो बंद होने का जब डॉक्टर को हिलाया तो डॉक्टर उठ के एकदम भगा, उसने अंदर से आईसीयू बंद कर लिया। हम उसको बार बार निवेदन कर रहे थे कि हम कोई दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो उनने बोला कि 10 मिनट बड़े डॉक्टर आ रहे, 15 मिनट बड़े डॉक्टर आ रहे। रात को 2 से उनने 3 बजा दी। फिर जब हमने चिल्ला चोट चल्लू करी तो उन लोगों ने अंदर से आईसीयू का गेट लगा दिया। आईसीयू का गेट लगाने के बाद यह हुआ कि क्या कहते, सुबह 5 बजे थाना जिनिंदौर के डायल 100 PCR वैन, राधा जबरा TI मैडम, DSP रघुवंशी जी, इतने सारे कम से कम 25 से 30 पुलिस बल मौजूद हो गया था। हमको वहाँ से बॉडी लेके वहाँ से हमको घर भिजवा दिया गया है। उनको सिर्फ नॉर्मली उल्टी और चक्कर थे। वहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही कि जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो BHMS था। रात को BHMS ICU इंचार्ज बन के बैठा है। BHMS को अधिकार नहीं है इस चीज़ का। और वहाँ पर कोई अस्पताल का प्रबंधक या कोई बड़ा डॉक्टर नहीं आया। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमको डिस्चार्ज करो, हम दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे, आपसे नहीं संभल रहा है। उनने पल पूर्वक अंदर से आईसीयू का गेट बंद कर लिया, हमको अंदर नहीं जाने दे रहे, कोई मूवमेंट नहीं दे रहे, जिसके कारण हमारी माता राम की मृत्यु हुई। हमने थाना जिनिंदौर के अंदर आवेदन दिया। जिनिंदौर TI ठाकुर साहब ने बोला कि हम इसके अंदर जाँच कराएंगे और जो भी तत्व सब सामने आएंगे। हमने उनको बोला कि आप CCTV फुटेज और हमारी मम्मी की जो फाइल है वो जब्त करके आप हमको दे दें, उसके अंदर सारे साक्ष्य है। आज 17 दिन का सवेरा हो गया, थाना जिनिंदौर, SDM जिनिंदौर, कलेक्टर कार्यालय, CHMO मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, हमने चारों जगह आवेदन दिया। चारों जगह से हमको आश्वासन दिया गया, अभी तक इसके अंदर कोई जांच नहीं बैठी। पुलिस प्रशासन ने अभी तक वहाँ हॉस्पिटल नहीं गया, वहाँ के CCTV फुटेज जब्त नहीं करे। जो मेरी मम्मी का जो फाइल थी अभी तक हमको फाइल नहीं मिली। आज आप कलेक्टर ऑफिस आए, क्या लेकर? कलेक्टर ऑफिस में हिंदू महासभा के तत्वाधान में आए हैं। हम न्याय मांगते हैं, हमने कलेक्टर को पहले भी दिया। हम यहाँ पर इनसे एक ही मांग करते हैं कि हमको न्याय मिले। जो आज हमारी माँ के साथ हुआ है किसी दूसरे के साथ नहीं हुआ। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।